बच्चे, पिछली क्लास में हमने देखा कि क्या कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस के वेंडर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि पिछला जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, जो फाइल सिस्टम था, उसको जब हम यूज करते थे उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, क्यों हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी और क्यों ये बेनिफिशियल है। क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आज हम यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम उनके लिए यूज करते हैं, या कहना चाहिए हम जो ओरेकल या MongoDB या कहना चाहिए DB2, ये सब जो कहना चाहिए बैकएंड हम कहना चाहिए यूज करते हैं या डेटाबेस यूज करते हैं, उनमें केवल बेनिफिट है या कुछ ड्रॉबैक्स भी है? क्यों इनको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कंपेरिजन में यूज करना चाहिए? फिर बात यह आती है कि क्या आज भी हमें लगता है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहीं ना कहीं सुटेबल है, हर जगह डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है? ये सारी की सारी बातें आज हम आज इस लेक्चर में, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बच्चे कि ट्रेडिशनल फाइल एक्सेसिंग अप्रोच होता क्या है रियल में। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता है, कैसे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता था, डेटा को स्ट्रक्चर्ड किया जाता था, डेटा को स्टोर किया जाता था। फिर हम अगर बात करेंगे आज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या DBMS के एडवांटेजेस हैं कहना चाहिए ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, और फिर हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कब हमें आज भी अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करना है तो कौन सी कहना चाहिए सिनारियों में या कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसको भी यूज कर सकते हैं, और कहां आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है, और क्यों आज के आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आज उसको यूज करते हैं। तो ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे। उससे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे आखिर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में वर्क होता है। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं सबसे पहले कि अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होगा? आप कोई भी, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होगा क्या, बताओ आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, होता क्या होगा? कोई भी, क्या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता क्या होगा? क्यों, मतलब किस चीज को हम ट्रेडिशनल फाइल मैकेनिज्म बोल रहे हैं? या अगर हमने अभी बात की ना, हमने चलो समझ लिया कि हाँ आज तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने जावा की प्रोग्रामिंग कर ली, ठीक है, आपने क्या कहते हैं सी प्लस प्लस पढ़ लिया, पाइथन पढ़ लिया, फिर आपने देखा कि नहीं बैकएंड भी चाहिए मुझे, एक फ्रंट एंड हो गया, अब हमें एक बैकएंड भी चाहिए। बैकएंड किस लिए? जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके, डेटा से क्वेरी फैच कर सके, डेटा से मैनुपुलेट कर सके, डेटा को मैनुपुलेट कर सके, डेटा डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, इंसर्ट कर सके, सेलेक्ट कर सके, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात आ रही है। चलो ये तो हम समझ गए, लेकिन हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम किसको बोल रहे हैं बच्चे? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम मैकेनिज्म है क्या, कोई बताएगा बच्चे? बोलो कोई भी। MS Excel, Excel यूज करते होंगे सर, बेसिक एमएस एक्सेस अगर अगर हम यूज कर रहे हैं, ये देखो क्या है, पता है अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें ना, तो एग्जैक्टली एमएस एक्सेस आपका ट्रेडिशनल में भी आएगा और हमारा डेटाबेस में भी आएगा। क्यों बोलो कैफे? क्योंकि एमएस एक्सेस में आप केवल डेटा स्टोर करते हो, अगर रिट्रीव मैंने क्वेरी से किया ना, तो एमएस एक्सेस से भी मैं क्वेरी फायर कर सकता हूँ, तो एमएस एक्सेस आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम नहीं है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का मतलब ही नहीं हुआ बच्चे, समझते हैं? देखो बड़े ही बेसिक हैंड लेवल है। हाँ बेटा, रिटन हाँ आप जो क्या बेटा, डाटा स्टोर करते हैं पेजेस हाँ पे। अब देखो अगर, हाँ इसने जैसा बोला हैंड रिटन डेटा, तो मैं उसकी भी बात करता हूँ, वो बहुत ही ट्रेडिशनल हो गया फिर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो मैं सबसे पहले जो हैंड रिटन वाले डेटा की बात करें उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं, तो रिकॉर्ड कीपिंग में दो तरीके से आज बात करूंगा। सबसे पहले बिल्कुल ही अगर अपन बात करें तो मैं आपको बिल्कुल रूलर वे बताता हूं, बिल्कुल ही रूलर वे, ठीक है। चलो बिल्कुल रूलर वे में अगर मैं चलूं, मैं तो अगर आपका बिल्कुल बेसिक वे में चलूं, तो मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में अगर इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, समझना मेरी बात को। एक मैंने रजिस्टर बनाया, ठीक है, इस रजिस्टर में मैंने क्या किया, स्टूडेंट की एंट्री कर ली, समझते चलना। दूसरा रजिस्टर बनाया, उसमें मैंने टीचर की एंट्री कर ली। तीसरा रजिस्टर बनाया, इसमें टीचर की सैलरी की एंट्री कर ली। फिर एक चौथा रजिस्टर बनाया, इसमें मान लो स्टूडेंट के अकाउंट की रजिस्टर एंट्री कर ली। फिर फिफ्थ रजिस्टर बनाया जिसमें मैंने हॉस्टल की एंट्री कर ली, ठीक है।
ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही लेमैन में बता रहा हूँ, रियल में अगर हम टेक्निकल टर्म में आएंगे तो टेक्निकल टर्म में हमको इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल है। आपको पता होना चाहिए कि डेटा ऑर्गेनाइज शुरू से कैसे होता आ रहा है। जैसे अगर अपन क्या कहते हैं बहुत ही एंशियंट टाइम्स की बात करें, आज के 5,000 साल पहले, तो आपको पता है आप रामायण महाभारत और जितने भी हम क्या कहते हैं वेद और पुराण की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखा गया, स्टोर किया गया, ठीक है, डेटा था, जिसकी कॉपी आज हमें मिली, ठीक है ना, उन्हीं की कॉपी को आप यूज कर रहे हो, तो वो भी आपका डेटा ही है बेटा, डेटा ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया हर चीज डेटा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में किसको क्या जरूरत है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, रियल फिल्टर्ड टर्म, और कहना चाहिए प्रोसेस टर्म इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो बेटा, बड़े ही अगर अपन कहना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो देखो अगर यहाँ स्टूडेंट है तो मैंने क्या किया, जब स्टूडेंट की एंट्री करने लगा तो स्टूडेंट की एंट्री में मैंने स्टूडेंट का आईडी रख दिया, और मैंने रख दिया स्टूडेंट का नेम, और मैंने रख दिया स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है, समझते चलो। पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर बेटा अगर अपन टीचर की बात करें, तो टीचर में भी मैंने क्या किया, टीचर आईडी रख दिया, टीचर आईडी, फिर टीचर का नाम हो गया टी नेम, और फिर मैंने रख दिया टी एड्रेस। ये एट्रीब्यूट्स हो गए और ये टेबल हो गया। वैसे भी आपको पता है कि क्या नाम चाहिए, डेटा की हम बात करें तो टेबल के टर्म में स्टोर होता है, आज भी इस टेबल के टर्म में स्टोर होता है, जो रो और कॉलम्स में वैल्यूज के साथ आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, पहले भी हम ऐसा ही करते थे। अब मैं इसको सिंपल रजिस्टर की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने एक कॉपी बनाया है और कॉपी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लिया, जिसमें मैंने क्या रखा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। दूसरा रजिस्टर बनाया जिसको मैं बोल रहा हूँ सिंपल एक नोटबुक, जिसमें मैंने टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस करके मैंने क्या किया, रो और कॉलम बना के एक टेबल बना लिया, ठीक है। फिर मैंने सैलरी नाम का कहना चाहिए एक वो बनाया, उसमें मैंने क्या कर दिया, टीचर आईडी, ठीक है, मंथ और सैलरी, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगी टीचर की सैलरी कितनी है, किस मंथ में कितनी बन रही है, ठीक है। और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ कॉमन एट्रीब्यूट से बात कर रहा हूँ। फिर अकाउंट में बात करें तो यहाँ स्टूडेंट आईडी दे दिया मैंने, और स्टूडेंट आईडी के बाद मैंने यहाँ दे दिया ईयर, और मैंने दे दिया फी पेड, कितना फी पेड हो चुका है और कितना रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग के लिए मैंने मान लो फी आर कर दिया, ठीक है, चलो ये अकाउंट हो गया। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में मैंने दिया स्टूडेंट आईडी, रूम नंबर एलोकेटेड, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा करके मैंने इसमें एट्रीब्यूट दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पास कहना चाहिए फोन नंबर भी मैंने दिया हुआ है, फोन नंबर ये, और यहाँ पास मैंने एक और एट्रीब्यूट दिया हुआ है ईमेल, ईमेल स्टूडेंट में भी मैंने यहाँ दिया हुआ है फोन नंबर और दिया हुआ है ईमेल, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये तो मैंने रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। अब अगर आप बताओ मुझे, ठीक है, यहाँ आपको टेबल दिख रहे हैं कि एक मेरे पास टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है टीचर, एक टेबल है सैलरी, एक टेबल है अकाउंट, एक टेबल है हॉस्टल, ठीक है। अब हमारे पास सारे के सारे हमको टेबल दिख रहे हैं बच्चे। अब मैंने बोला कि पुष्कर एक काम करो बच्चे, तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो मोबाइल नंबर चेंज करा लो, मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में भी चेंज करा लो। तो पुष्कर क्या करोगे तुम बताओ, रिकॉर्ड अगर आपको चेंज कराना क्या करोगे बताओ पुष्कर। सर जो जिसके पास सर जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको बोलना पड़ेगा चेंज कराने के लिए। जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके पास बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं और इसको कहना चाहिए ना, बिल्कुल ही कहना चाहिए, और अपन बेसिक लेवल पे जाएं तो मैंने देखा कि हमारे अलग अलग रजिस्टर बने हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड कोई स्टूडेंट डिपार्टमेंट में है, टीचर का रिकॉर्ड टीचर डिपार्टमेंट में है, सैलरी का रिकॉर्ड अकाउंट डिपार्टमेंट में, हॉस्टल का रिकॉर्ड हॉस्टल वार्डन के पास है। तो पुष्कर को करना क्या पड़ेगा, पहले स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और बोलेगा मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो। तो पुष्कर ने बोला कि चलो ठीक है मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, तो यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड में अपडेट हो गया, ठीक है। अब हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में चेतन सर थे, उनने बोला आज मुझे पुष्कर को कॉल करना है क्योंकि उसको बताना है कि अभी हॉस्टल जो है वो 2 दिन तक बंद रहेगा, अभी ना आए। तो चेतन सर ने क्या किया, यहां से पुष्कर का फोन नंबर उठाया और पुष्कर का फोन नंबर सपोज करो XYZ था, उनने कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल किया बोला मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, या सपोज दैट फोन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, बिकॉज पुष्कर ने ऑलरेडी नंबर चेंज करा दिया है, लेकिन वो केवल स्टूडेंट वाले रजिस्टर में अपडेट हुआ है, लेकिन हॉस्टल वाले में तो अपडेट हुआ ही नहीं।
तो क्या हो गया, डेटा आपका एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, इंटीग्रेटेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम था तो आपने एक जगह तो अपडेशन करा दिया, दूसरी जगह ऑटोमेटिक नहीं होगा। अब पुष्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई कि उसको हर जगह जाके चेंज कराना पड़ेगा। हर जगह मतलब पहले तो पता करना पड़ेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन 6 जगह है तो 6 जगह मैनुअली जाएगा और बोलेगा सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर लो। बात समझ में आई या नहीं आई? पहला सबसे मेजर ड्रॉबैक, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर, सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब आपने क्वेरी फायर किया, जैसे आज की सिस्टम की बात करूं तो आप विजुलाइज करो, मैंने क्वेरी फायर किया, अपडेट, अपडेट क्वेरी में फायर करूंगा और मैं बताऊंगा अपडेट स्टूडेंट आईडी, सॉरी अपडेट फोन नंबर, और क्या कर दूंगा, कंडीशन क्या लगा दूंगा, वेयर स्टूडेंट आईडी, और जो पुष्कर का आईडी ना, अगर वो मैंने दे दिया तो जितनी जगह पुष्कर है, जितनी भी टेबल में पुष्कर है, सब में अपडेट हो जाएगा, बिकॉज आज के डेटाबेस में इस जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है, वो सारे जगह ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। लेकिन यहां आपका जो है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटर रिलेशन नहीं है, आपस में टेबल का रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए जो चेंजेस आपने एक जगह किया उसका रिफ्लेक्शन दूसरी जगह नहीं होगा, तो डेटा आपका एक्यूरेट नहीं है, डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो हमारा पुराना सिस्टम से ही था। दूसरी, अगर हम इसकी पुराने वाले सिस्टम की बात करें ना, तो देखो इसके ढेर सारे ड्रॉबैक दिख जाएंगे। पहली बात तो क्या होता है, आपने रजिस्टर बनाया, रजिस्टर को 10 साल छोड़ दो, कॉपी को 10 साल छोड़ दो, ऑटोमेटिकली फैड हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका डेटा चला गया। लेकिन आज के डेट में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम ओरेकल में 12c यूज करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप क्लाउड पे डेटा डाल दो, परमानेंट है, ना खराब होने का डर है, ना कुछ भी दिक्कत है, और ना ही स्टोरेज की चिंता करने की जरूरत है। अगर यही मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मान लो हमारे पास केवल 50 एम्प्लॉइज हैं और केवल 100 स्टूडेंट हैं, तो उसको मेंटेन करना तो फिर पॉसिबल है। अगर मैं इसी मैकेनिज्म से मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 15,000 स्टूडेंट्स हैं और 1,500 टीचर्स हैं और 2,000 एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ मिला के हैं, इतने लोगों को अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल सिस्टम से डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़े, मेंटेन करना पड़े, तो कंप्लीटली आप देखोगे तो कोलैप्स हो जाएगा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ये तो बड़ा ही बेसिक व्यू हुआ। अब मैं आता हूं थोड़ा सा इससे अपर लेवल की बात करते हैं, ठीक है, टेक्निकल बात करते हैं। तो अब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊं, तो अगर आप कंप्यूटर की बात करो, तो आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा बच्चे कि आपका सी ड्राइव है, आपने बोला चलो ठीक है डी ड्राइव है, आपने बोला बच्चे ई ड्राइव है, आपने बोला एफ ड्राइव है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं पहले की बात करता हूं जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आईआरसीटीसी का, या पहले जस्ट हम बेसिक से बात करते हैं फिर आईआरसीटीसी की बात करेंगे। अब मैंने क्या किया बच्चे, मैंने डी के अंदर एक फोल्डर बनाया और फोल्डर बना दिया एबीसी, और एबीसी के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा A1, सुनना ठीक है, एबीसी के अंदर मैंने रख दिया डॉक्यूमेंट A1। तो एक बात बताओ मुझे, अगर A1 को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, डी ड्राइव में एबीसी फोल्डर में जाना पड़ेगा और एबीसी के अंदर A1 पे जाना पड़ेगा, लोकेशन पे जाके आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज बात बात करो, अगर आपने गूगल किया, गूगल में आपको कोई चीज सर्च करना है, तो आपको एक पता होता है कि वो जो आप आइटम सर्च कर रहे हो वो किस लोकेशन से आ रहा है, किस यूनिवर्सिटी का डेटा है, या कहना चाहिए किस जगह से डेटा का सोर्स क्या है, आपको पता होता है या नहीं होता है, पहले बताओ। नो सर, नो सर, नहीं पता होता है, फिर भी डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, बताओ, मिलता है ना डेटा मिलता आपको, है सर। डेटा मिलता है। इसका मतलब अगर अपन समझे, तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब हुआ कि हमने डेटा डेटा जहां स्टोर कर दिया वहां आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, बिना एग्जैक्ट लोकेशन को आप डेटा को फैच नहीं कर पाओगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, ठीक है, तो उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। जबकि हम अगर डीबीएमएस की बात करें, डीबीएमएस कंप्लीटली सेंट्रलाइज होता है, बस आपको क्वेरी फायर करनी होती है, जो इंटरनल क्वेरी प्रोसेसर होते हैं वो पूरा का पूरा हैंडल करते हैं, उसमें आपको लोकेशन की चिंता नहीं है, किस लोकेशन से डेटा आएगा, सोर्स क्या है, कहां से आना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी टेंशन, कि आपको कहना चाहिए एंड यूजर्स को, जो यूजर है
उसको कोई जरूरत नहीं है, मतलब बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन से मतलब है उसको। मैं यहाँ डेटा नहीं इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे से रिलेवेंट है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल में, और हम डीप लेवल पे चलते हैं टेक्निकल। तो अगर मैंने बोला अब IRCTC की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, अगर मान लो IRCTC में रिजर्वेशन मुझे देखना हो, तो आपने देखा होगा आज भी कहना चाहिए उनके क्या होते हैं, अलग अलग पेज से प्रिंटआउट निकलते हैं, और देखना बड़े लेजर टाइप के प्रिंटआउट होते हैं, और वो बड़े बड़े पेजेस में चार्ट दिए होते हैं कि इसको ये वाला सीट मिला हुआ है, इसको ये सीट बुक है, इसकी वेटिंग है, इसका रिजर्वेशन है, इसका नहीं है, ऐसे करके सारा सिस्टम मिलता है, ठीक है। अगर मान लो हम पुराने उसकी बात करें ट्रेडिशनल सिस्टम की, तो याद करो जो TC होता था वो पूरा का पूरा वो डेटा को देख के बताता था, सर्च करके बताता था, चलो ठीक है 63 नंबर पे मुझे बुकिंग मिली है, तो क्या करेगा वो 61, 62, 63, 70 ऐसे करके पूरा सर्च करेगा, सर्च करने के बाद बताएगा मुझे 63 वाला बर्थ अलॉटेड है। इसका मतलब अगर IRCTC की हम बात करें, तो IRCTC में अगर हमें डेटा देखना होता तो डेटा हम कैसे देखते, हम डेटा देखते तो क्या करना पड़ता, मान लो मैंने डी ड्राइव में एक PDF फाइल रखी है IRCTC वाली बुकिंग वाली, तो मुझे क्या करना पड़ता, सर्च करके देखना पड़ता, या एक एक करके मैनुअली हमें देखना पड़ता उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कि मेरा नाम कहाँ है, और उस पर्टिकुलर नाम से मुझे एंट्री को सर्च करना पड़ता। तो और मैंने आपको फिर पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल बताया था कि पहले होता क्या था, कि अगर आपने बुकिंग कराया तो क्या होता था, देखो जैसे बुकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जैसे मान लो चंडीगढ़ से मुझे रिजर्वेशन कराना है, ठीक है, उसके पहले मान लो अंबाला आता है, उसके पहले मान लो बद्दी आता है, ठीक है। अब बद्दी में पहले क्या होता था, 15 ईयर्स बैक हर जगह का एक पर्टिकुलर कोटा होता था, बिकॉज आपस में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो हर जगह एक पर्टिकुलर कोटा होता था। तो अगर आप देखो जैसे मैंने यहां क्या किया, यहां 50 सीट्स हैं, मतलब आप अगर रिजर्वेशन कराना चाहते हो तो आपके पास टोटल 50 सीट्स है। बद्दी में अगर कोई रिजर्वेशन कराएगा तो बद्दी से टोटल 50 सीट रिजर्व है, उनमें से जो जो जैसा रिजर्वेशन कराता जाए करा लेगा। अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में केवल टोटल 5 सीट्स है, और चंडीगढ़ में मान लो टोटल हमारे पास 10 सीट्स है। अब ट्रेन यहां से चलती है और ट्रेन में केवल 5 रिजर्वेशन होते हैं, टोटल 45 बचे हुए हैं। अब पहले के समय में क्या होता था, जो अंबाला में भीड़ बहुत है और अंबाला में 100 लोगों ने रिजर्वेशन कराने आए, 100 लोग रिजर्वेशन कराने आते हैं और केवल 5 लोग को रिजर्वेशन मिलता है, बोले नहीं भाई हमारे पास तो 5 ही सीट है, जबकि अगर आप देखो तो पीछे से ट्रेन खाली आ रही है, 45 सीट जिसके पास रिमेनिंग थे। अब जैसे ही 45 सीट रिमेनिंग थे, ये पता कब चलता था, जब बद्दी से ट्रेन अंबाला पहुंच जाती थी तो TC को क्या मिलता था, मैनुअली फाइल मिलता था, और मैनुअल फाइल अंबाला में आया हो, और फिर जब TC उसको चेक करता था, जो टिकट चेकर होता था वो चेक करता था, बोलता था आज 45 सीट्स खाली हैं, तो क्या करता था, ये 45 की 45 सीट्स सेल कर देता था बिना IRCTC कोई प्रॉफिट दिए हुए। उसने अपनी 45 सीट्स ली, केवल उसको पता है कि यहाँ 45 सीट्स है, उनने पूरा जो भी रेट उसको लगाना था उस रेट से उसने पूरा का पूरा बेच दिया, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में भी सेम पोजीशन होती है, अगर यहां से कुछ सीट रिमेनिंग होती है वो कब पता चलता है, जब चंडीगढ़ जाए, क्योंकि कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, पता कब चलता था, जब ट्रेन आती थी, मैनुअली चीजें थी, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन आज के सिस्टम में अगर आप देखो तो IRCTC में आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्करेंटली, अभी अगर आप रिजर्वेशन करा रहे हो तो मैं भी रिजर्वेशन उसी सेम ट्रेन में अगर मान लो कराता हूँ XYZ में, तो आप भी उसी में करा सकते हो, कोई और भी करा सकता है इंडिया में बैठा, या कहना चाहिए इंडिया में क्या, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब वेब यूज कर रहा है, IRCTC का ऐप यूज कर रहा है, IRCTC का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो सिंपल सी बात है वो क्या कर सकता था, वो सिंपल कहीं से भी अगर हम बात करें, तो जब वो IRCTC का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो कहीं से भी वो क्या करेगा, वो देख सकता है कि कितनी सीट बची हुई है, और जैसे जैसे बुकिंग कराता जाएगा सेंट्रली आपके जो सीट्स एलोकेशन है वो एलोकेट भी होते जाएंगे, कम भी होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली घटते जाएंगे। तो ये क्या था, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, क्लियर है या नहीं है बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलिए नो बच्चे, गुड। क्लियर। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, रियल में, तब आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल
टर्म में ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का रियल मीनिंग क्या है, कहां कहां वो लैग करता है, कब दिक्कत होती है, और कहां डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहां कहां सुपरसीड करता है, कहां उसकी जरूरत होती है और क्यों फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो सिंपल सी बात है, सिंपल आपका कहना चाहिए एक मैनुअल फिलिंग सिस्टम है। ठीक है, और हम इसमें कह सकते हैं इसमें भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो फाइल सिस्टम इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड द डेटा दे कंटेन टू मेक इट इजी टू फाइंड एंड एक्सेस देम। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अगर सी ड्राइव में कुछ फोल्डर सेव करके रखा है, उसके अंदर कुछ फाइल रखी है, डी ड्राइव के अंदर रखा है, ई ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, डेटा स्टोर करने का तरीका हुआ, ये फाइल सिस्टम के थ्रू हुआ। लेकिन यहां अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ई ड्राइव में रिजल्ट रखा हुआ है, ई ड्राइव में मेरा रिजल्ट रखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है अगर मुझे रिजल्ट देखना है तो मुझे ई ड्राइव के उस पर्टिकुलर लोकेशन तक जाना पड़ेगा जहां रिजल्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब फाइल सिस्टम मे बी यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क हो गया, आपका सीडी रोम हो गया, ठीक है, टू मेंटेन द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल। लेकिन यहां लोकेशन क्या है बेटा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे कि हम अपने घर की भी बात करें तो हमारे पास भी ना कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे कि कुछ रिसिप्ट हो गया, इनवॉइसेस हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गए, ठीक है, बिल्स हो गए। ठीक है, इसको भी हम एक क्या कहना चाहिए, अरेंज करके रखते हैं, और जब हमको जरूरत होती है उसका इंडेक्स होता है कि जैसे मेरा बिल जो रखा हुआ है इस पर्टिकुलर फाइल में रखा हुआ है, और अगर हम बात करें रिजल्ट जो है इस पर्टिकुलर फाइल में रखा हुआ है, और कहना चाहिए ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ चीजें जो मैं अरेंज करके रखता हूँ ये यहाँ रखा हुआ है, फिर बुक्स जो हमने अरेंज करके रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे करके ये जो अरेंजमेंट है ये आप देखा जाए तो आपका सिंपल सी बात है ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के बिना आप उस चीज को पिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप इंडेक्सिंग सिस्टम लगा सकते हो कि हाँ चलो ये कहना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप की रिसिप्ट जो रिसिप्ट है वो एक जगह रखी हुई है, एक पर्टिकुलर टाइप की चीजें यहां रखी हुई है, इंडेक्सिंग कर सकते हो, लेकिन लोकेशन तो आपको एक्सेस करना ही पड़ेगा, लोकेशन पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द मैनुअल फाइल फिलिंग सिस्टम वर्क्स वेल, कब काम अच्छा करता है, अगर मैनुअल की हम बात करें कब काम अच्छा करता है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम टू बी स्टोर्ड इज स्मॉल। अभी हर समय गलत नहीं है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अगर आप बोलो कि मेरे पास 20 टोटल स्टाफ है और 100 स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें आप अगर ओरेकल में डेटा को स्टोर करना चाहते हो, ओरेकल के थ्रू डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, तो मैं बताऊं सबसे पहली दिक्कत क्या है, कोई बताएगा सबसे पहली दिक्कत क्या है बेटा, बताओ। अगर टोटल यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स हैं और 20 का स्टाफ है, तो अगर हम ओरेकल जैसे कहना चाहिए सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज करते हैं तो सबसे पहली दिक्कत क्या होगी, कोई भी मेंटेनेंस, सबसे पहली दिक्कत क्या, क्या दिक्कत होगी सर, मेंटेनेंस कॉस्ट या बायोस को करना। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी कि भाई ओरेकल जैसा सॉफ्टवेयर जो है अगर मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ली तो भी 2 से 4 या 5 लाख अगर हम मिनिमम यूज करते हैं तो 2 से 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया। फिर ओरेकल के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा भी चाहिए जो इसको यूज कर सके, उसको ओरेकल आनी भी तो चाहिए, तो स्किल्ड प्रोफेशनल की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में कॉस्टिंग भी हो गई, तो कहां से बेनिफिशियल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि द मैनुअल फाइल सिस्टम वर्क्स वेल व्हेन द नंबर ऑफ आइटम टू बी स्टोर्ड इज स्मॉल, इट इवन वर्क्स क्वाइट एडिक्वेटली व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स एंड वी हैव ओनली टू स्टोर एंड रिट्रीव देम। ये तब भी अच्छा है जब आपके पास ऑपरेशन ज्यादा नहीं है, अगर हम मैन कहना चाहिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें ये तब भी अच्छा है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर में स्टोर करके रख दिया ना कि चलो यहाँ पास मेरे रिजल्ट रखे हुए हैं, यहाँ पास मेरे डीबीएमएस का क्या कहना चाहिए सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, यहाँ पास जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है वो वीडियो प्ले करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ मेरी मूवीज रखी हुई है, ये ऐसा करके मैंने स्टोर करके रख दिया। अगर मुझे केवल डेटा स्टोर करना है और मूवी प्ले करना है या रिट्रीव करना है सिंपल, तो भी अच्छा ही है ना, तो वो कुछ अलग से काम नहीं करना है, कोई मैनुपुलेशन नहीं करना है, कोई अपडेशन नहीं करना है, कोई लिस्ट वाइज अरेंज नहीं करना है, तो दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग सभी लोग क्या करते हो कि एक ड्राइव में क्या करते हो मूवी रखते हो, तो मूवी आपने रख दिया, आपको पता है उस लोकेशन तक जाना है और मूवी देख लेना है, तो बोले नहीं सर अब हमने डीबीएमएस पढ़ लिया, अब तो मैं क्या करूंगा ओरेकल इंस्टॉल करूंगा और ओरेकल के थ्रू ही मैं कहना चाहिए मूवी भी देखूंगा, उसके थ्रू उसको मैनेज करूंगा, तो फिर ये भी तो अननेसेसरी है, टोटल अननेसेसरी बात है, आपको मूवी रखना है मूवी देखना है काम खत्म। तो कभी
कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स में भी आपका जो मैनुअल फिलिंग सिस्टम है या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है वो बेटर इसलिए होता है बिकॉज आपके पास जो पर्पज है ना वो बहुत ही लिमिटेड है. यू वॉन्ट टू स्टोर इट एंड ऑनली रिट्रीव इट, तो ठीक है तो सिंपल ट्रेडिशनल चलने दो. हाउ एवर द मैनुअल फिलिंग सिस्टम ब्रेक्स डाउन व्हेन वी हैव टू क्रॉस रेफरेंस और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन फाइल्स, और ऐसा कहना चाहिए जब आपको कहना चाहिए मल्टीपल फाइल से एक साथ रिजल्ट चाहिए, मल्टीपल फाइल को कोरिलेट करना है, मल्टीपल फाइल को कहना चाहिए रिलेट करना है, तो दिक्कत है. जैसे कि सपोज करो अगर हम एक मॉल की बात करते हैं, बच्चे समझना मेरी बात को, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं रियल एग्जांपल बताता हूं. जैसे मान लो तुम लोगों ने किसी ने एक स्टार्टअप डाला मॉल का, ठीक है. अब बेटा तुम्हें पता करना है कि कौन कौन सा आइटम जो है वो फ्रिक्वेंटली परचेज होता है, समझना मेरी बात को, कौन कौन सा आइटम फ्रिक्वेंटली परचेज होता है. और तुम्हें यह भी पता करना है कि यार ये आइटम तो कम कम परचेज होता है, लेकिन लेकिन जब जो आइटम फ्रिक्वेंटली परचेज होता है उसके साथ ही बिक जाता है, ठीक है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे समझना मेरी बात को, जैसे अगर बात की जाए मान लो ब्रेड है, बटर है और मिल्क है, ठीक है. तो क्या हुआ, मॉल ओनर ने कोई डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक लगा कर रखी थी, ठीक है. इसकी इसका डिस्कशन हम करेंगे. उसने देखा कि क्या हुआ कि जो ब्रेड है वो दिन भर में 1,000 पैकेट सेल हो जाता है, जो बटर है वो दिन भर में 500 पैकेट सेल हो जाता है, जो मिल्क है वो लगभग में 900 पैकेट सेल हो जाता है, ठीक है. और इसके साथ बिस्किट रख लो, और जो बिस्किट है वो लगभग में 70 सेल हो जाता है, ठीक है. लेकिन उसने क्या देखा, जो फ्रीक्वेंसी थी मॉर्निंग में ब्रेड बटर मिल्क और बिस्किट की ज्यादा थी, बाकी टाइम पे बिस्किट नहीं बिका लेकिन मॉर्निंग में बिस्किट बिका. तो क्या किया उसने, मॉल ओनर ने, उन्होंने सोचा चलो एक काम करें, ये जो बिस्किट है वो बहुत कम बिकता है क्योंकि बाकी चीजें तो 1,000 बिक रही हैं, 900 बिक रहे हैं, तीसरा 500 बिक रहा है, लेकिन जो बिस्किट है वो 70 ही बिकता है. तो उसने बिस्किट को हटा दिया. तो देखता क्या है कि अगले दिन से जो ब्रेड था वो केवल 800 बिक रहा है, या मान लो 900 बिक रहा है, जो बटर है वो 450 बिका, और जो कहना चाहिए मिल्क था वो केवल 850 बिका. इसका रीजन समझ में आया आपको, इसका रीजन समझ में आया, बोलो क्या यस सर, रीजन समझ में आया. सर बिस्किट जो बाय करने आता था वो साथ में इन आइटम्स को खरीदता था. यस एग्जैक्टली. इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि जो ब्रेड लेने आता था, या कहना चाहिए जो बटर या मिल्क लेने आता था, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिस्किट ले जाते थे उसके साथ, लेकिन जब बिस्किट मिलना बंद हो गया तो दूसरे मॉल में जाना चालू हो गया जहां बिस्किट भी था. तो कभी कभी होता क्या है, हमें ओवरऑल एनालिसिस करनी होती है, ओवरऑल कोरिलेशन कर, कभी कभी नहीं, आज के मार्केट सिनारियों की बात करें तो हमें हर हर समय अकेले उस पे काम नहीं करना होता है, हमें ओवरऑल कोरिलेटेड सिनारियों पे काम करना होता है, कोरिलेटेड वैल्यूज पे काम करना होता है, रिलेशनशिप पे काम करना होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम सेट से दूसरा आइटम सेट कैसे रिलेटेड है, जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में लिंकिंग की दिक्कत थी. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सारे चीजों का कोनोटेशन या कहना चाहिए कोरिलेशन नहीं था. बात समझ में आई, क्लियर है इतना. ट्रेडिशनल फाइल मैकेनिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, आप कोई एफिशिएंट प्रोसीजर, आप कोई कहना चाहिए हाई एंड प्रोग्रामिंग, कोई कहना चाहिए साइंटिफिक कंप्यूटेशन, कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम आप नहीं कर सकते थे, या नहीं ना बोलना बेकार है, नहीं बोलना गलत है, लिमिटेड था. वहां आपको अगर रिसर्च ओरिएंटेशन लगाना है तो बट ऑब्वियस है उसकी स्ट्रक्चरिंग या कहना चाहिए मेहनत ज्यादा लगेगी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर है बच्चे? बोलो बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, गुड. यस सर, क्लियर है सर. तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि क्लियरली द मैनुअल सिस्टम इज इनएडिक्वेट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क. दिस फाइल बेस्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड इन रिस्पांस टू द नीड ऑफ इंडस्ट्री फॉर मोर एफिशिएंट डेटा एक्सेस. इन अर्ली प्रोसेसिंग सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड एज अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेपरेट फाइल्स. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने अलग अलग ड्राइव में ग्रुप बना के आपने फाइल को रख दिया, और फिर उसको किसी प्रोग्रामिंग से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. जैसे याद करो C++ से हम फाइल हैंडलिंग करते थे, तो याद करो हम पाथ भी देते थे, या बाय डिफॉल्ट पाथ पे जाके फाइल क्रिएट हो जाती थी,
और वही उसी फाइल पे आप कुछ राइट या रीड कर सकते थे। तो उसमें लोकेशन मैटर करता है, वहां लोकेशन आपका मैटर करता है। तो ये जो कहना चाहिए ना, ये आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन द ट्रेडिशनल अप्रोच वी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स मतलब सिंपल फाइल को हम फ्लैट फाइल्स बोलते हैं, विच आर मेंटेन्ड बाय द फाइल सिस्टम अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। हियर फ्लैट फाइल्स आर फाइल कंटेनिंग रिकॉर्ड हैविंग नो स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। द फाइल हैंडलिंग विच वी लर्न अंडर CC++ इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये आपका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटन इन CC++ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो थ्रू द फाइल सिस्टम टू एक्सेस दीज फ्लैट फाइल्स, और लोकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें, तो जैसे कि अगर हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करें, तो देखो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टूडेंट के डिटेल के पास भी होगा। बुक इंफॉर्मेशन जहां होती है वहां भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। बुक को इश्यू जो कराते हैं वहां भी होगा, अकाउंट में भी होगा। तो अगर ये क्या कहते हैं मैनुअल सिस्टम से चलेगा या आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होगा, तो डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर आपने एक जगह चेंज करा दिया, तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे, आपको हर जगह जाके चेंजेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप देखो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका लाइब्रेरी में भी है, एग्जामिनेशन में भी है, रजिस्ट्रेशन में भी है, ठीक है, लेकिन आपस में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अगर कोरिलेशन नहीं है, तो आपके जो भी कहना चाहिए ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस केवल एक ही कहना चाहिए फाइल पे अप्लाई होगा, बाकी फाइल्स पे अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि आप हर जगह उसको मैनुअली या कहना चाहिए प्रोग्रामिंग के थ्रू अप्लाई ना करो। क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू भी आप अपडेट करोगे तो लोकेशन बताना पड़ेगा आपको, पाथ बताना पड़ेगा कि यहां भी चेंज कर दो, यहां भी चेंज कर दो, ई ड्राइव के अंदर इसमें भी चेंज कर दो, एफ ड्राइव में भी चेंज कर दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें, तो देखो सबसे पहले आता है फील्ड। ठीक है, फील्ड हमने बात की थी, फील्ड पता था, हमने रिकॉर्ड भी पढ़ा था, ये सारे कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे सिंपल सी बात करें, फील्ड का मतलब सिंपल हुआ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ डेटा। जैसे अगर अपन चेक की बात करें, तो बैंक चेक की बात करें, तो उसमें देखो चेक नंबर होता है, वो आपका फील्ड है। अगर हम बैंक में चेक की बात करें, तो उसमें जो डेट है आपका वो फील्ड है, जो सिग्नेचर करते हैं वो भी फील्ड है, बैंक का नाम जो है वो भी फील्ड है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या करता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम ऑफ डेटा, रिलेटेड आइटम ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो कि एक एज अ यूनिट काम करता है। जैसे कि अगर अपन बात बोलते हैं इंप्लॉय का रिकॉर्ड, अब इंप्लॉय का रिकॉर्ड है, तो इंप्लॉय का अगर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो इंप्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एन एम्प्लॉय। जैसे एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय का फोन नंबर हो गया, एम्प्लॉय का ईमेल हो गया। तो रिकॉर्ड्स का सिंपल मतलब हुआ इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम। अब रिलेटेड आइटम मतलब अगर एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या है, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, उसका ईमेल है। अब डेटा फाइल की बात करो, तो डेटा फाइल का मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ या इट इज अ नंबर ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड दैट आर ट्रीटेड एज अ यूनिट, या ऐसा कह सकते हो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे अगर मैं बोलूं इंप्लॉय के रिकॉर्ड्स का कलेक्शन कैसे, जैसे अगर अपन कंपनी की बात करेंगे, तो कंपनी में आपके पास एक नॉर्मल इंप्लॉय होगा, एक मैनेजर वाला इंप्लॉय होगा, एक एडमिन होगा। अब इसका इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम, इंप्लॉय एड्रेस, इंप्लॉय फोन नंबर, मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम, मैनेजर फोन नंबर, एडमिन आईडी, एडमिन फोन नंबर, एडमिन एड्रेस, एडमिन नेम। ठीक है, अभी जो केवल इंप्लॉय की बात करते हैं तो रिकॉर्ड कहलाएगा, लेकिन अगर हम पूरे कंपनी के इंप्लॉय की बात करें, उसमें इंप्लॉय भी आ गया, मैनेजर भी आ गया, आपका कहना चाहिए एडमिन भी आ गया, वो आपका कहलाएगा डेटा फाइल। आगे बात करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो बड़ा ही सिंपल है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइल स्टोरिंग डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, ईच फाइल इज कॉल्ड अ फ्लैट फाइल। आप इसमें हर फाइल का एक स्पेसिफिक पर्पज होगा, इसमें आप जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग यूज करते हो, C++ कोबोल यूज करते हो। ठीक है, फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि देखो C++ कोबोल ही क्यों बोल रहा हूं, जावा अगर आप यूज करोगे तो आप डेटाबेस यूज करोगे, ODBC यूज करते थे याद करो, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी,
या JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो फिर आपका ओरेकल आ जाएगा या एमएस एक्सेस आ जाएगा। एमएस एक्सेस में आप डेटा स्टोर करोगे और उसको एक्सेस करोगे, तो जो भी आप चेंजेस करोगे वो क्वेरी के थ्रू हो जाएंगे। तो मैं इसलिए जावा की बात नहीं करेंगे यहाँ, आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में सिंपल C++ कोबोल की बात करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें, एस सिस्टम बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफर लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंटेड मेनी लिमिटेशन एंड वर डिफिकल्ट टू मेंटेन। जनरल आपका क्या कहते हैं, मैंने लिमिटेशन बताने के लिए वाला आपको टेबल बताया हुआ है। इसमें आप देखो स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर लाइब्रेरी में भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर हॉस्टल में भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर अकाउंट ऑफिस में भी है। तो देखो ये आपके डुप्लीकेट वैल्यूज हर टेबल में, चारों टेबल में ही डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी, एक ही डेटा को बार बार यूज करना, रिडंडेंट हो रहा है, रिडंडेंसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑब्लिक फाइल बेस्ड अप्रोच, ठीक है, और डीबीएम इसमें हम इसको कैसे इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो पहला आपको लिमिटेशन अगर हम बात करें, तो पहली लिमिटेशन है रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इसको एग्जांपल इसे समझ लो, अगर आपका स्टूडेंट है, ठीक है, अब हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट में अगर आप देखो तो स्टूडेंट में रोल नंबर है, स्टूडेंट का रोल नंबर लाइब्रेरी में भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर हॉस्टल नाम के फाइल में भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर अकाउंट ऑफिस नाम के अकाउंट ऑफिस में भी है। तो जो चेंजेस या अपडेशन या जो सिलेक्शन होगा या अपडेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, अगर आप इस फाइल में करते हो तो इसमें भी अलग से करना पड़ेगा, इसमें भी अलग से करना पड़ेगा, इसमें भी अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये दिक्कत हुई। दूसरी दिक्कत ये हुई, एक ही इंफॉर्मेशन को आप बार बार यूज कर रहे हो, हर जगह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पुराने जो फाइल सिस्टम में था वो रिडंडेंट था, ठीक है, क्योंकि आपस में कोरिलेशन तो था नहीं। तो अगर मुझे लाइब्रेरी में जाएं, तो लाइब्रेरी में मुझे केवल स्टूडेंट आईडी से काम नहीं होगा, वहां मुझे लाइब्रेरी में एंट्री कैसे करवानी पड़ेगी, स्टूडेंट का आईडी भी बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं और डेटाबेस सिस्टम नहीं है, तो आपस में कोई कोरिलेशन तो होगा नहीं कि जैसे स्टूडेंट के अकाउंट को पूरा का पूरा लाइब्रेरी वाला भी फैच कर ले, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लाइब्रेरी में गया अगर कोई स्टूडेंट, तो क्या करेगा, अपना स्टूडेंट आईडी भी बताएगा, स्टूडेंट का नाम भी बताएगा, अपना एड्रेस भी बताएगा, फोन नंबर भी बताएगा, ईमेल भी बताएगा। यही सेम काम अगर वो स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाएगा वहां भी बताएगा, यही सेम काम अकाउंट में जाएगा वहां भी बताएगा, यही सेम काम वो टीचर को भी बताएगा। तो सारी जगह एक ही डेटा को बार 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 आप यूज कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट डेटा या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो द सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोर देन वन फाइल, अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेवरल रीजन। डुप्लीकेशन से वेस्टफुल है, इससे कॉस्ट मनी, कॉस्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि मनी के टर्म में आप बात करो कि आप क्या कर रहे हो, फिर साइज बढ़ता जाएगा आपका, जो स्पेस यूज कर रहे हो बढ़ता जाएगा, बट ऑब्वियस है टाइम ज्यादा लगेगा उससे डेटा को रिट्रीव करने में या फैचिंग करने में। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिडंडेंसी की बात करो तो रिडंडेंसी से दिक्कत क्या है, स्टोरेज स्पेस की दिक्कत है और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट की दिक्कत है। तो ये तो होता है रिडंडेंसी। अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो कैसे डीबीएमएस के थ्रू हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि रिडंडेंसी टोटली रिमूव हो जाएगी, रिडंडेंसी कभी भी कंप्लीट रिमूव नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी कभी रिडंडेंसी चाहिए भी, ध्यान रखो। जैसे मैं आप डीबीएमएस की बात करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब अगर डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, तो देखो सॉफ्टवेयर में क्या करेगा, स्टूडेंट होगा, वहां भी टीचर नाम का टेबल होगा, वहां अकाउंट नाम का वहां भी टेबल होगा, और वहां एक और टेबल हम मान लेते हैं लाइब्रेरी नाम का। अब अगर यहां पर स्टूडेंट आईडी है, नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है, तो लाइब्रेरी को क्या बताने की अब जरूरत पड़ेगी बताओ, सॉफ्टवेयर को फैच करने के लिए लाइब्रेरी को क्या बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डीबी में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो लाइब्रेरी को क्या पता होना चाहिए, बस उससे पूरा काम हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, मैंने आपको बताया, फिर उसका एड्रेस भी है, फिर उसका फोन नंबर भी है, उसका ईमेल है, तो लाइब्रेरी में जाके मैं क्या बताऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा बताइए। केवल आईडी आईडी, जैसे ही आईडी बताऊंगा तो आईडी यूनिक होगी, वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट से फैच कर लेगा, या कहना चाहिए कोई क्वेरी फायर होगा इंटरनली, और वो क्या करेगा, फैच करके स्टूडेंट की पूरी डिटेल ले आएगा। सेम अकाउंट में मुझे आईडी बताना पड़ेगा, तो यहां भी रिडंडेंसी हो रही है। आईडी तो आपको
वहां भी आईडी की एंट्री तो करनी पड़ेगी। मतलब अगर लाइब्रेरी के टेबल की बात करें तो लाइब्रेरी में जो टेबल होगा वहां स्टूडेंट आईडी तो कॉलम होगा, लेकिन स्टूडेंट की नेम की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट की एड्रेस की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट की फोन नंबर की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट की ईमेल की जरूरत नहीं है। इट दीज फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली फेच फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, तो यहां रिडंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज इज पॉसिबल थ्रू डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो सिंपल अगर हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रिडंडेंसी को हम बात करें तो सिंपल क्या हुआ, इफ सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस फॉर नंबर ऑफ टाइम्स द डेटाबेस सेट टू बी रिडंडेंट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम इंफॉर्मेशन मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल प्लेसेस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अब दिस रिडंडेंसी लीड्स टू हायर स्टोरेज एंड एक्सेस कॉस्ट, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा बाय द डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड डेटा। सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड डेटा, अगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें तो आपस में जो फाइल होते हैं आपस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, वो सेपरेटेड होते हैं। लेकिन हमें कभी कभी क्या जरूरत होती है कि इनको हम कंबाइन करके मर्ज करके वैल्यू फैच करें। ये काम आपके कहना चाहिए सिंपल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में मुश्किल है, टफ है। क्यों? क्योंकि वहां जो फाइल सिस्टम होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं या आइसोलेटेड होते हैं। सो तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टू मेक अ डिसीजन यूजर माइट नीड डेटा फॉर टू सेपरेट फाइल्स। फर्स्ट द फाइल्स वर इवेल्यूएटेड बाय एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक डेटा रिक्वायर्ड फॉर ईच फाइल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द एप्लीकेशन कुड बी रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्ट द नीडेड डेटा। अगर हम ट्रेडिशनल फाइल के सिस्टम की बात करेंगे तो अगर मुझे रिलेट करना होगा तो मुझे उसके लिए भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अलग से, जबकि आज के डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हमें केवल एक क्वेरी से काम हो जाएगा, एक ज्वाइन ऑपरेशन से काम हो जाएगा। ठीक है, और सोचो ये कितना टफ हो जाएगा अगर मुझे 10-20 फाइल को आपस में एक साथ रिलेट करना हुआ तो कितना टफ हो जाएगा। फिर बात करते हैं डेटा डिपेंडेंसी। अगर हम डेटा डिपेंडेंसी की बात करें तो इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स वर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक फिजिबल फॉर्मेट दैट वर कोडेड इनटू द एप्लीकेशन प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर फाइल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, तो वहां पर क्या होता था कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आपके पास जो रिकॉर्ड होते थे उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था। ठीक है, तो आप कह सकते हो डेटा डिपेंडेंसी है। अगर फॉर्मेट चेंज हुआ तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग में चेंज करनी पड़ेगी, तब उस फॉर्मेट को हम एक्सेस कर पाएंगे। समझो मैं एक बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। तुमने सी में फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, अब सी में तुमने जो फाइल हैंडलिंग की वो टेक्स्ट फाइल के लिए की, मतलब आपने टेक्स्ट फाइल पर राइट किया। ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल लिया abc.txt और उसमें राइट और रीड कर रहे हो, वही सेम प्रोग्राम आपके वर्ड फाइल के लिए चलेगा या नहीं चलेगा, बताओ। बोलो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो अगर मुझे वर्ड फाइल के लिए करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, वर्ड के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट फाइल वाले में तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी की हम बात करें, तो डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो इफ द फॉर्मेट ऑफ अ सर्टेन रिकॉर्ड वाज सीन द कोड इन ईच फाइल कंटेनिंग दैट फॉर्मेट मस्ट बी अपडेटेड इन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, लेकिन आज के उस सिस्टम में हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला डिफिकल्टी है डिफिकल्टी इन रिप्रेजेंटिंग डेटा फ्रॉम द यूजर्स व्यू। अब अगर आप देखो, हम आज जो डेटाबेस पढ़ते हैं उसमें आप जैसा चाहो वैसा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जैसा चाहो, मतलब जैसे अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें तो आपने फाइल ओपन करके दे दी, अब अपना आपको जो भी चीज सर्च करना है देख लो। जैसे कि मैं बताऊं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो पहले जो जेईई के रिजल्ट आते थे वो जेईई के रिजल्ट अगर अपलोड हुए मान लो तो वो आपके एक पीडीएफ में अपलोड हो गए। अब आप क्या करोगे, अपना रोल नंबर सर्च करोगे, देखोगे और रोल नंबर के आगे आप चेक कर लोगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। लेकिन
अगर आज देखो तो आज क्या होता है, उनका साइट बना हुआ है, आपने रोल नंबर डाला, आपका बकायदा मेरिट लिस्ट में है नहीं है, कितनी रैंक बनी है, मतलब डेटा को आप जैसा शो करना चाहते हो, डेटा को जैसा विजुअलाइज कराना चाहते हो, डेटा को जैसा डिस्प्ले कराना चाहते हो, आज के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। लेकिन पहले डिफिकल्ट था रिप्रेजेंट करना, बिकॉज फिर उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे बैंक ने, बैंक के पास एक रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, पहले की बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की, बैंक के पास एक रिक्वायरमेंट आई कि क्या है ना, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं उनको क्या होता है, उनको चाहिए कि उनका ईयरली स्टेटमेंट मिल जाए। तो बैंक ने क्या किया, बोले एक काम करो, ईयरली स्टेटमेंट दे दो, ईयरली स्टेटमेंट में क्या कर देना, डेट बता देना, और डेट के सामने क्या कहते हैं, बता देना क्रेडिट क्या हुआ था और उस दिन डेबिट क्या हुआ था, ऐसा, ठीक है। अगले दिन कस्टमर आया, उसने बोला बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, तो बैंक के पास जो प्रोग्रामिंग की हुई थी उसमें क्या था कि जो भी हम क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट देंगे उसमें क्या लिखा होगा, डेट लिखा होगा, क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट होगा, डेबिट हुआ था तो डेबिट लिखा रहेगा। उसने बोला सर ये तो बताइए किस टाइम पे क्रेडिट हुआ था और किस टाइम पे डेबिट हुआ था। तो क्या करेगा बैंक वाला बताओ, क्या करेगा बैंक वाला बताओ, बताओ क्या करना चाहिए बैंक वाले को, बोलिए बच्चे कोई तो प्रोग्राम को भी, चेंज करना पड़ेगा फिर से। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या करेगा, फिर से प्रोग्रामर को बोले, बुलाएगा, बोलेगा अरे एक काम कर, अब क्या कर, डेट आप दिखा ही रहे थे, क्रेडिट दिखा रहे थे, डेबिट दिखा रहे थे, अच्छी बात है, साथ में टाइम भी दिखाना पड़ेगा। फिर प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर चेंज करेगा, उसके बाद आ जाएगा अगले दिन या कह रहे कुछ साल बाद कस्टमर आता है, बोले सर आपने तो टाइम बता दिया, टाइम तो बता दिया, डिटेल्स कहां दी कि अगर क्रेडिट हुआ तो किस किसने क्रेडिट किया, डेबिट हुआ कब डेबिट हुआ, कैसे हुआ, क्या पर्पस था, पर्पस कोड नहीं आ रहा है, ट्रांजेक्शन की डिटेल नहीं आ रही है। फिर बैंक वाला बुलाएगा प्रोग्रामर को, बोले आजा भाई अब ये भी चाहिए, तो फिर प्रोग्रामर चेंज करेगा। आज ऐसा नहीं है, दिक्कत है, आज आपके पास सारी चीजों के लिए क्वेरीज हैं, आप जैसे डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो प्रेजेंट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग फिर से करानी पड़ेगी, जो जो आपको रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करानी पड़ेगी। फिर बात करें तो डेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, डेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब डेटा यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, डेटा आपका आइसोलेटेड है, अलग अलग है, ठीक है, और लिमिटेड आपके पास क्या कहते हैं कहना चाहिए, लिमिटेड परमिशंस हैं, लिमिटेड चीजें हैं, ना तो डेटा आप व्यू अच्छे से कर पा रहे हो ना उसको अलग से सेपरेट कर पा रहे हो। तो हो क्या रहा है कि प्रोग्राम डेटा इंटरडिपेंडेंसी एंड डेटा आइसोलेशन लिमिटेड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इन प्रोवाइडिंग यूजर्स विद एडहॉक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स, फाइल फॉर्मेट्स की बड़ी दिक्कत थी, जिस फाइल फॉर्मेट का आपने प्रोग्राम बना दिया केवल वही फाइल फॉर्मेट सब सपोर्ट करेगा। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर बताऊं, आप कैनरा बैंक में जाना, अगर आपने कैनरा बैंक में बोला कि मुझे पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट दे दो, आप अभी भी अगर किसी का कैनरा बैंक में अकाउंट हो तो आज आप एक चेक करना, बोलना सर मुझे बैंक स्टेटमेंट मेल कर दीजिए, बैंक स्टेटमेंट मेल कर दीजिए, लेकिन जब आप मेल करें तो मुझे पीडीएफ में जाना है, मुझे पीडीएफ में चाहिए। उनके पास अगर आप देखोगे ना तो उनके पास अभी भी जो है ना वो टेक्स्ट वाला कोड बना हुआ है और आपको टेक्स्ट फाइल देंगे, नोटपैड वाली फाइल देंगे, पीडीएफ नहीं देंगे। हाँ उनके एप्स आ गए, जैसे कि कैन डिजिटल, उनका एक जो ऐप है कैन डिजिटल, उस पर आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बैंक में अभी भी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। बैंक में अगर आप जाओगे तो बोलेगे हमारे पास परमिशन नहीं है, हमारे पास तो एक प्रोग्राम बना हुआ है, अब पता नहीं कोबोल में बना हुआ है, सी में बना हुआ है या सी प्लस में बना हुआ है, वो तो टेक्स्ट फाइल में डेटा जनरेट करके देता है, तो टेक्स्ट फाइल में दे देगा। तो फाइल फॉर्मेट की भी बड़ी दिक्कत है कि जो पुराने सिस्टम है वो फाइल फॉर्मेट की दिक्कत है, जबकि आज के कहना चाहिए जो मॉडर्न डीबीएमएस वाले हैं सॉफ्टवेयर, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपेटिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेटा सिक्योरिटी, डेटा आपका क्या कहते हैं अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सिक्योरिटी भी जो है आपका कंसर्न है, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है तो कोई भी फाइल को ओपन कर सकता है, कोई भी फाइल को देख सकता है, तो सीधी सी बात हो गई, सीधी सी बात हो गई, तो सीधी सी बात ये हो गई कि क्या कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड सिक्योरिटी भी है, डेटा की सिक्योरिटी में भी दिक्कत है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शनल प्रॉब्लम्स भी है, ट्रांजेक्शनल प्रॉब्लम्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या कहते हैं
अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, कि जैसे अगर मान लो, जस्ट मिनट बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है बच्ची? ठीक यस है, तो ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम को हम समझते हैं। ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम में एक होता है एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। मैं बस अभी जस्ट आपका इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ कि यहाँ ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम्स कैसे होते थे। एसिड प्रॉपर्टीज होती है, एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, हम देखेंगे इसको। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो कि अगर बैंकिंग सिस्टम में हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, मैंने एक अकाउंट से ए से बी में ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ 9,000 रुपीज है और 9,000 रुपीज से मैंने 1,000 यहां ट्रांसफर किए और यहां 7,000 थे, तो बट ऑब्वियसली होना क्या चाहिए? अगर 9,000 से मैंने 1,000 ट्रांसफर किए तो यहां अपडेट होके 8,000 हो जाना चाहिए, या और सॉरी 8,000 हो जाना चाहिए और ए हो जाना चाहिए 8,000, मतलब यहां 1,000 बढ़ जाने चाहिए, यहां 1,000 कम हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि ट्रांजेक्शन के बीच में अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है, इफ अ सिस्टम क्रैश, ठीक है, तो ये आपका जो 1,000 वाला है, मान लो विड्रॉ हो गया लेकिन यहां अपडेट नहीं हुआ, या विड्रॉ नहीं, आपका क्या कहते हैं, विड्रॉ तो हो गया और अपडेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो यहां से विड्रॉ ही नहीं हुआ या और अपडेट हो गया, तो ये दोनों ही क्या हो रही है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो या तो ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो, मतलब अगर मैंने ट्रांसफर किया तो यहां से कम हो और दूसरे अकाउंट में ऐड हो जाए, या अगर ट्रांजेक्शन आपका अधूरा हुआ तो यहां से कम भी ना हो और वहां ऐड भी ना हो। तो अगर हम सिस्टम क्रैश होता है तो उस केस में यहां कोई बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स नहीं होते, जबकि हमारे पास डीबीएमएस में बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो एटॉमिक होना चाहिए। ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? एटॉमिक, मतलब अगर यहां से आपका कहना चाहिए डेबिट हुआ तो यहां क्रेडिट होना चाहिए, अगर यहां क्रेडिट हुआ तो यहां से डेबिट भी होना चाहिए, अगर यहां से डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं होना चाहिए फेलियर के केसेस में। लेकिन आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, आपके पास बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स नहीं थे। आगे बात करें कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। अब कॉन्करेंसी प्रॉब्लम वही वाली बात है, चीजें जो होनी चाहिए वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि सिंपल मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं एक ही चीज को, जैसे आईआरसीटीसी को मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है। अब आईआरसीटीसी को एक साथ लोग यूज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट मतलब अगर 50 सीट्स थी तो 4 सीटें अगर किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी लोकेशन से बुक हो गई तो अब मुझे कितना दिखना चाहिए, 46, फिर मैंने एक बुक कर दी तो दूसरे को कितना दिखना चाहिए, 45। तो कॉन्करेंट होना चाहिए, मतलब मल्टीपल जगह से चेंजेस हो रहे हैं, वो अपडेट भी होता जाना चाहिए, मतलब अपडेशन जो होना चाहिए वो प्रोपगेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करो तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आपस में इंटर रिलेशन तो था नहीं, कोरिलेटेड तो था नहीं, तो कॉन्करेंट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं था। जैसे कि देखो यहां पर हमारे T1 और T2 ट्रांजेक्शंस हैं। T1 क्या करता है, 1,000 A अकाउंट से विड्रॉ करता है, ठीक है, और T2 में फिर हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं A अकाउंट का B के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां पास, जब यहां हमने क्या किया सिंपल कि हमारे पास कंसीडर कर लो कि जो T1 है, T1 करना क्या चाहता है, 1,000
ट्रांसफर करना चाहता है बी अकाउंट में, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू टी की कितनी है 5000। अब जब 1000 ट्रांसफर करना चाहेगा तो बट ऑब्वियस है ए कितना अपडेट होके हो जाएगा 4000, ठीक है, बी के पास कितने हैं 8000, तो बी कितना हो जाना चाहिए 12000, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्करेंट नहीं होगा तो ये 1000 आपका अपडेट होगा नहीं, ये 1000 आपका अपडेट नहीं होगा तो लॉस कितने का दिखाएगा 1000 का। तो कॉन्करेंट अपडेशन जो है वो जरूरी है, ये केवल पॉसिबल आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में है, ट्रेडिशनल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पुअर डेटा मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स डेटा का, कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन है या आपस में उनके रिलेशनशिप है, उसको अच्छे से मॉडल नहीं कर पाता था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब मुझे समझ में आ गई कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इसके एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेजेस क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कम हो गई, ये तो पहला एडवांटेज हो गया। इनकंसिस्टेंसी की बात करें, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है समझो, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे रिडंडेंसी में क्या होता था कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की कॉपीज अलग अलग जगह पे, कहना चाहिए स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। तो इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ, इनकंसिस्टेंसी इज वेरियस कॉपी ऑफ द सेम डेटा मे नो लॉन्गर एग्री, मतलब आपके पास एक ही डेटा की अलग अलग जगह कॉपी है लेकिन यहां इंफॉर्मेशन कुछ और है और यहां इंफॉर्मेशन कुछ और है, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की दिक्कत है। कैसे, जैसे यहां स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, यहां तो स्टूडेंट ने अपडेट करा दिया लेकिन हॉस्टल में अगर उसने अपडेट नहीं कराया तो डेटा आपका कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि यहां मोबाइल नंबर कुछ है और यहां मोबाइल नंबर कुछ है आपका। लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज डेटा आपका सेंट्रलाइज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चे कि इनकंसिस्टेंसी इज वेरियस कॉपीज ऑफ द सेम डेटा मे नो लॉन्गर एग्री, इट अकर्स ड्यू टू रिडंडेंसी, सो रिडंडेंसी शुड बी रिड्यूस, और आपको पता है डीबीएमएस में के थ्रू रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखो, वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट और रिमूव द टोटल रिडंडेंसी बट वी कैन रिड्यूस इट अप टू द सर्टेन लेवल दैट मेक्स डेटा कंसिस्टेंट। तो आपको कंसिस्टेंट बनाना है, तो इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड इन द डीबीएमएस। यहां एडवांटेज हम बता रहे हैं, तो यहां इनकंसिस्टेंसी ना लिख के क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंसी, या कंसिस्टेंसी लिखने से अच्छा क्या है कि इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड लिखे, ठीक है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी ट्रेडिशनल वाले में था। अब देखो, प्रोपेगेटिंग अपडेट इज इजियर, अपडेट प्रोपोगेट करना इजियर है, जो चीज यहां है मोबाइल नंबर, अगर मैं कर रहा हूं यहां अपडेट, तो अगर मोबाइल नंबर अगर आपका डीबीएमएस में होगा तो हम किसके बेस पे करेंगे, टीचर के आईडी के बेस पे करेंगे, ध्यान रखो टीचर के आईडी पे के बेस पे करेंगे, तो टीचर का आईडी यहां भी जो जो जिस जिस टेबल में टीचर का आईडी होगा और वहां अगर मोबाइल नंबर मिलता है वो सबको अपडेट कर देगा। तो प्रोपेगेटिंग अपडेट्स इज इजियर, तो प्रोपेगेटिंग अपडेट्स एंश्योर्स यूजर दैट एनी चेंजेस मेड टू द रिकॉर्ड ऑफ वन फाइल ऑटोमेटिकली मेड टू अदर फाइल रिलेटेड टू दैट रिकॉर्ड। देन हम बात करें शेयर्ड डेटा, बट ऑब्वियस है डेटा आपका शेयर्ड है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब सिंपल शेयरिंग की अपन बात करें तो शेयरिंग मींस नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कैन शेयर द डेटा इन द डेटाबेस बट आल्सो द न्यू एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड टू ऑपरेट अगेन द सेम डेटा और शेयर्ड मैनर में होगा। अगली बात होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रिटी। व्हाट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि हम आप कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर पाए। जैसे अगर मैं बैंक का कंस्ट्रेंट बताऊं तो आपने देखा होगा 3000 से अमाउंट नीचे नहीं होना चाहिए, तो इंटीग्रिटी है। अगर 3000 से अकाउंट नीचे है तो आपका क्या होगा, आपको एक एरर मैसेज फ्लैश करेगा कि आपका अकाउंट 3000 से नीचे हो गया है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं और अगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है, यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, यहां नेम है, यहां फोन नंबर है, तो मान लो मैंने फोन नंबर छोड़ दिया ट्रेडिशनल वाले में, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां अगर मैंने लिख दिया है कि फोन नंबर जो है वो आपका नल नहीं होना चाहिए, कंपलसरी एट्रीब्यूट है, नल नहीं होना चाहिए, फोन नंबर आपको देना ही पड़ेगा, तो पक्का आपको फोन नंबर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो एरर जनरेट करेगा, टेबल क्रिएट नहीं होने देगा या रो इंसर्ट नहीं होने देगा, वैल्यू इंसर्ट नहीं होने देगा। तो इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हो आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर में। तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट,
Therefore, data values being entered for storage could be checked to ensure that they fall within a specified range and are of the correct format. ठीक है, मतलब हम रूल और रेगुलेशन प्रॉपरली लगा पाए. जैसे कि देखो, जैसे अपन बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस जैसे 3000 से नीचे फेल नहीं हो सकता. एक आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, और दूसरा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आप बोलो कि जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज नॉट बिलो 18 इयर्स, ऐसे करके हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं. फिर अगली बात होती है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी का मतलब मैंने आपको बताया, जो आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो एटोमिक होना चाहिए. मतलब अगर आपने पैसे ट्रांसफर किए, मतलब आपके में डिडक्ट होना चाहिए और सामने वाले में क्रेडिट होना चाहिए. ठीक है, अगर डिडक्ट नहीं हुए तो क्रेडिट भी नहीं होना चाहिए. तो पूरा ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? एटॉमिक होना चाहिए. ठीक है, फिर अगला है कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट कैन बी बैलेंस्ड. कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, बेस्ट फाइल स्ट्रक्चर चूज होना चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर चूज होना चाहिए, एक्सेस मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलना चाहिए. तो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारे काम ये देखता है. फिर स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड, मतलब कोई नया रूल रेगुलेशन आए तो उसको हम प्रॉपरली लगा पाए डीबीएमएस में. ये डीबीएमएस में पॉसिबल है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में तो पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी. तो बाई द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस द डीबीए कैन इंश्योर दैट ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, और उसको हम इन्फोर्स प्रॉपरली कर पाए. फिर सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इन्फोर्स्ड. अगर डीबीए की बात करें तो डीबीए का काम होता है कि प्रिविलेजेस डिसाइड करें कि कौन कितना डेटा देख पाएगा, उसके हिसाब से ही काम कर पाएगा. तो क्योंकि डेटा बड़ा ही क्रूशल पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बड़ा ही क्रूशल पार्ट है, तो डेटा इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो किसी भी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कॉन्फिडेंशियल भी है. तो सो इट इज नॉट एक्सेप्ट बाई ऑल द यूजर, only authentic user can access the data. तो proper login होना चाहिए, proper password होना चाहिए, levels of security होनी चाहिए. कुछ चीजें आप देख पाओ, कुछ चीजों में आप अपडेट कर पाओ, लेकिन सारी चीजें आप ना कर पाओ तो there are levels of security which can be implemented and also authorization checks can be applied. ठीक है, तो these are the advantages of the DBMS. और इसको मैंने tabular form में कर दिया है. ठीक है, जो हमने discuss किया. अब अगर हम disadvantages DBMS की बात करें तो cost, but obvious है पुराने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में कॉस्टिंग आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या सिस्टम में ज्यादा होता है. बिकॉज इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग और डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर हैज टू बी अपग्रेडेड टू अलाउ फॉर द एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग, वर्क स्पेस कहना चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए आपको. मतलब समझो कॉस्ट में क्या क्या आ गया. पहली बात तो सिस्टम आपका एफिशियंट होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए. ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है, सारी चीजों में अपग्रेडेशन होगा. फिर आपको स्किल्ड बंदे को भी रखना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. फिर एक कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, बिकॉज क्या है, डेटाबेस सिस्टम से इट क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या करना चाह रहे हो, आप सपोज टू बी समझ रहे हो कि बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप हैंडल कर रहे हो, तो सीधी सी बात है उनको मैनेज करना, मेंटेन करना, सेवरल यूजर्स को प्रिविलेजेस देना, इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो कॉम्प्लिकेटेड तो होता है. फिर डेंजर ऑफ अ ओवरकिल. डेंजर ऑफ अ ओवरकिल का मतलब ये हुआ कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद नहीं है कि आपने पता चला जहां 50 लोग हैं वहां भी आपने पूरा डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर पे पूरा काम कर दिया, तो कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगा, स्किल पर्सनालिटी को भी रखना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये हुआ फॉर स्मॉल एंड सिंपल एप्लीकेशन और फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इट इज नॉट एडवाइजेबल. इसको हम बोलते हैं डेंजर ऑफ ओवरकिल. फिर क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी आपको. लोअर एफिशिएंसी, समटाइम्स इट प्रोवाइड्स लोअर एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द ह्यूज टास्क ज्यादा होता है, प्रोसेसिंग ओवरहेड ज्यादा होता है. ठीक है, तो टाइम ज्यादा लग सकता है, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा लग सकता है. ठीक है, डेटाबेस की जरूरत कहां है रियल में? जब आपको कॉम्पैक्टनेस की बात करनी हो. ठीक है, जब आपको कॉम्पैक्टनेस की बात करनी हो, मतलब जब आपको पेपर फाइल्स या फाइल सिस्टम की बात नहीं करनी है, ठीक है, तब हम बात करते हैं डेटाबेस की. जब आपको स्पीड की जरूरत हो, तुरंत रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलीवेंसी चाहिए. रिलीवेंसी मतलब रिलीवेंसी इज द यूज ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. मतलब जो जिस पर्सन के लिए रिलीवेंट है उसी पर्सन से रिलेटेड उसका रिजल्ट आए. तो डेटाबेस की जरूरत है कॉम्पैक्टनेस के टर्म में, स्पीड के टर्म में, एक्यूरेट रिजल्ट के टर्म में, एक्यूरेसी के टर्म में, रिलेवेंसी मतलब रिलेवेंट डेटा मिलने के टर्म में. दीज आर द क्वेश्चंस.